भिवानी में डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक के मार्गदर्शन में स्थानीय पंचायत भवन में रविवार से पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुआ। कार्यशाला में सीईओ जिला परिषद सदस्य अजय चोपड़ा ने पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव के दिन मॉक पोल करवाने के को लेकर मतदान संपन्न होने और ईवीएम जमा करवाने तक की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अजय चोपड़ा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पोलिंग बूथ पर मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों पर निर्भर करती है। पोलिंग बूथ पहुंचते ही सभी तैयारियों को देखना होता है कि वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं। यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसके बारे में तुरंत प्रभाव से संबंधित टीम के नोडल अधिकारी या प्रशासन को जानकारी दे ताकि समय रहते उसके पूरा करवाया जा सके। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे विधानसभा इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और जल्दी हमारे इलेक्शन है अक्टूबर में। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो आज से स्टार्ट की गई है, जो कि 12 तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें हमारे लगभग 2,500 करीब जो एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी वो आरओ लेवल पे होगी और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी सभी एम्प्लॉयज को। किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसे हमारे ईवीएम वीवीपैट है जो फॉर्म्स भर के लाने हैं, जो एम्प्लॉय भर के लेके आएंगे जिन वोटिंग वाले थे, वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बारे में जो भी समस्याएं उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और जो ईवीएम वीवीपैट से विद्यार्थी भी कोई अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में भी सुना जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी ट्रेनिंग के अंदर? ट्रेनिंग में देख रहे हैं कि जैसे आपने हमने एलईडी वगैरह लगाया हुआ है सभी एम्प्लॉयज के लिए, अटेंडेंस इंश्योर की जा रही है, जो भी उनको कोई समस्या है तो उन समस्या को निवारण किया जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो इस समस्या निवारण कैसे किया जाएगा? अगर फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो हमारे मास्टर ट्रेनर्स लगे हुए हैं, आरओ लेवल पे भी मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनको जिस दिन सामान लेके जाएंगे उस दिन भी उनको बताया जाएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम से जो हमारे आरओ हैं, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, उनके नंबर्स भी दिए जाएंगे ताकि तुरंत किसी भी मौके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका निवारण किया जा सके। समस्या को देखते हुए अगर किसी बूथ पर कोई सेंसिटिव मामला अगर आ जाता तो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया इस चीज़ के लिए? देखिए, जैसे भी जो हमारे सेंसिटिव का जो मैटर है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, जब भी कोई इस तरह के कोई बूथ होता है तो पहले ही हमारे प्रशासन के द्वारा वो सिलेक्ट किया जाता है कोई सेंसिटिव हो तो उसमें अतिरिक्त फोर्स वगैरह की तैनाती की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से, और उसमें अगर कोई सेंसिटिव मैटर है तो उसमें उसका हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाती है। तो सर, जैसे कि वीवीपैट है, अगर कोई खराब मिलती है इस तरह की जो समस्याएं जो सामने आती है तो उसके लिए क्या? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ईवीएम वीवीपैट अगर कोई खराब होते हैं, पोल डे वाले दिन भी कोई खराब हो सकता है, तो हमारे पास रिजर्व में हमारे पास ईवीएम से मशीन रहती है तो तुरंत उसको बदलवाने की कार्रवाई की जाएगी। जो आज जो ट्रेनिंग की जा रही है ये आज फाइनल है? नहीं, आज पहला ही दिन है हमारी जो ट्रेनिंग का और जो 12 तारीख तक चलेगी ये ट्रेनिंग हमारी।